तो हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर टीटी डी एंड कंपनी, क्या है? 8 आवर्स पर डे पर वीक इनकी स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स है। मैक्सिमम कैपेसिटी है इनकी 50 एम्प्लॉयज की, एक्चुअल वर्किंग है 40 एम्प्लॉयज की। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक इतने हैं, स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इतने हैं, एक्चुअल आवर वर्कड इतने हैं, स्टैंडर्ड आवर अर्न इतने हैं। द रिलेटेड पीरियड इज ऑफ 4 वीक, इन दिस पीरियड देयर वॉज वन स्पेशल हॉलीडे, ठीक है जी, ड्यू टू नेशनल इवेंट। कैलकुलेट द एफिशिएंसी, एक्टिविटी कैलेंडर, स्टैंडर्ड कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, ठीक है। तो करते हैं, जो डाटा है उसको एक बार सीक्वेंसली लिख लेते हैं, तब ये क्वेश्चन से समझ आएगा। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में ये डाटा को कहाँ कहाँ प्लेस करना है, ठीक है। देखिए, हमको दिया स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम इतना है, तो पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी मेरी कितनी है, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी है मेरी 50 एम्प्लॉइज की, 8 घंटे काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, 1 हफ्ते में 4 हफ्ते हैं, ठीक है। तो 400, 2000, ये हो गई मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद है एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क, वो है हमारी बजटेड आवर्स, जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे वो थे 6400 घंटे। एक्चुअल आवर्स जो है वो कितने हैं? एक्चुअल आवर्स है मेरे 6400 घंटे, ठीक है, 6000 आवर्स। और स्टैंडर्ड आवर्स जो हमने अर्न किए हैं वो है 7000 आवर्स। बजटेड नंबर ऑफ डेज कितने थे? 5 दिन होते हैं 4 हफ्ते में, 20 डेज। और एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 1 दिन की छुट्टी थी तो 19 डे, ठीक है। और देखें कुछ छूट गया क्या? चलिए, तो पहले पूछा है हमसे क्वेश्चन में, क्या पूछा है? सबसे पहले पूछा है हमसे एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। एफिशिएंसी रेशियो ये होता है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। दूसरा पूछा गया है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो होता है हमारा तीसरा पूछा गया है
कैलेंडर रेशियो, मतलब ये देखते हैं हमारे एक्चुअल में हमने कितने घंटे काम किया है, एक्चुअल में कितने दिन काम किया है। कैलेंडर का मतलब होता है जो पूरे दिन से फर्क पड़ता है। चौथा पूछा है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, पांचवें नंबर पे पूछा है एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो। और लास्ट में पूछा है इन्होंने एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को आपने फॉर्मूले में डाल दीजिए। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इसमें फर्क ये होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वर्ड यूज करते हैं वेरियंस और यहां होता है रेशियोज। रेशियोज जो होते हैं वो बजट रेशियोज होते हैं, ठीक है।